सैमसंग गैलेक्सी A50s ले लें या तो सैमसंग गैलेक्सी A70 ले लें। ये क्वेश्चन गाइस अभी यहाँ पे बहुत चल रहा है कि भाई हम क्या सैमसंग गैलेक्सी A50s जो आने वाला है बहुत जल्दी हमें यहाँ पे सितंबर मंथ में देखने मिलने वाला है इंडिया के अंदर, क्या हम A70 ले लें जो 27,990 का हो गया ना, तो अब क्या वो लें। तो इस वीडियो में गाइस मैं इसी क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों को कि कौन सा फोन आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया, आज का वीडियो स्टार्ट कर। आप लोगों को बताए सैमसंग A50s जो है वो अनाउंस कर दिया सैमसंग ने और बहुत ही बढ़िया फोन मुझे लगा यार, बस अब प्राइस जो है वो सैमसंग इंडिया के अंदर अच्छा कर दे तो वो फोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एंड A70 तो आपको पता ही लॉन्च हो ही चुका है। एंड अब बात कर लेते हैं कि अब इस फोन मतलब दोनों के प्राइस सेगमेंट के बारे में सबसे पहले बात करता हूं। तो A50s की जो प्राइस है एक्सपेक्टेशन प्राइस रेंज रखी गई है 22,000 रुपए करीब, मेरी एक्सपेक्टेशन 22,000 है, उससे एक रुपए आगे नहीं जाना चाहिए मतलब सैमसंग A50s की प्राइस। एंड A70 की जो प्राइस है वो 28,990 में आया था, अब हो गई है इसकी प्राइस 27,990, कुल मिला के 28,000 मतलब 28,000 और ये फोन मैंने बोला 22,000, तो 6,000 का फर्क आपको यहाँ पर पड़ रहा है। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप इस फोन के आपको यहाँ पे डिजाइन के बाद में सबसे पहले दोनों में डिज़ाइन में A70 एंड A50 आप बोल सकते हैं डिज़ाइन में मतलब कुछ कुछ जो कलर्स हैं वो थोड़े अलग लग रहे हैं, वरना तो डिज़ाइन एकदम सेम पोली कार्बोनेट की फील है, ट्रिपल रियर कैमरा हमें रियर में देखने मिल जाते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कलर्स में कुछ फ़र्क है बस। तो कलर्स इसमें भी आपको वैसे मिल जाएंगे मगर इसमें भी मिल जाएंगे, तो कलर्स में थोड़ा फ़र्क है वरना डिज़ाइन वैसे ही है। डिस्प्ले में हम आते हैं गाइस, तो यहाँ पे दोनों में हमें एक सुपर लैमिनेटेड डिस्प्ले मिलता है, बट अभी सबसे पहले बात करूँ A50s वाले डिस्प्ले की, तो वहाँ पे मिलता है 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले जो सुपर लैमिनेटेड डिस्प्ले होगा, उसमें भी आपको इन डिस्प्ले में अपने सेंसर देखने मिलेगा, इसमें इन्फिनिटी यू नॉच है। अब बात करते हैं A70 के बारे में, तो उसमें हमें 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है, उसमें भी इन्फिनिटी यू नॉच मिलती है, उसमें भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और इसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलता है। तो क्या मतलब डिस्प्ले में ओवरऑल आपको बोलता हूं तो डिस्प्ले सेम है, बस ये जो A70 का है वो थोड़ा बड़ा डिस्प्ले है, इसका थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है। तो आपको मैंने बताओ जो तुम्हें तो यही बोलूंगा जिनको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो वो A70 में जा सकते हैं, तो यही बात मेरी रहेगी। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस और आपको A70 की अनबॉक्सिंग देखनी है, मैंने अनबॉक्सिंग की हुई है, जरूर जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, दोनों में हमें कौन कौन से प्रोसेसर देखने मिलने वाले, तो मैं आपको बता दूं A50s में मिलता है एक्सिनोस का 9610 चिपसेट जो आपको A50 में भी मिला था। अब बात करते हैं A70 के बारे में, तो उसमें हमें स्नैपड्रैगन 675 मिलता है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज यार A70 जीतता है। तो आपको परफॉर्मेंस वाइज चाहिए तो मैं यही बोलूंगा कि आप जाके A70 को जाके देख सकते हैं, परफॉर्मेंस में तो A50s जो है वो थोड़ा सा मतलब कम रहेगा। बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे अब इस दोनों फोन के कैमरास के बारे में, क्या कैमरों को, उस कैमरा की भी यहाँ पर बहुत चल रही है क्योंकि इसमें 48 मेगापिक्सल दे दिया, उसमें 32 मेगापिक्सल है, तो अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे A50s में मिल जाता है 48 मेगापिक्सल कैमरा मेन सेंसर है, देन अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। बात करते हैं यहीं पे हम A70, उसमें हमें मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 5 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, तो सॉरी डेप्थ सेंसर 5 मेगापिक्सल का। तो यहां पे ट्रिपल रियर कैमरा दोनों फोन में मिल रहे हैं। तो अब बात करते हैं मेन मतलब अच्छा कौन सा, ये देखो मैं यही बोलूंगा 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है ना वो अलग ही मतलब वो 32 मेगापिक्सल, मैं यही आप लोग रिकमेंड करूंगा जिनको भाई कैमरा रियर में बहुत ही बढ़िया चाहिए, तो आप यहां पे A50s में बहुत ही बढ़िया कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, तो वही ले लेना। A70 का भी मैं नहीं बोल रहा अच्छा कैमरा नहीं, उसका भी बहुत अच्छा कैमरा, मगर एक बात होती ना मतलब मैं यही बोलूंगा रियर में आपको A50s बेटर मिल जाता है A70 से। चलिए बात कर लेते हैं सेल्फी कैमरा के बारे में, दोनों फोन के बारे में, तो A50s में हमें देखने मिल जाती है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी इन्फिनिटी यू नॉच के साथ, एंड A70 में भी हमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिल जाती है इन्फिनिटी यू नॉच के साथ, सेम सेल्फी है, कोई फर्क आपको देखने नहीं मिल जाता, तो सेल्फी मामले में आप देख ही सकते हैं दोनों में सेम ही मिलती है। बैटरी में आ जाते हैं, बैटरी हमें क्या मतलब फोन में देखने मिलने वाली है, A50s में मिलती है 4000 mAh की बैटरी, टाइप सी, फास्ट चार्जिंग, शायद 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर है इसमें। अब बात करते हैं इस फोन के बारे में A70 की, तो उसमें हमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी मिलता है और 27 वोल्ट का फास्ट चार्जर है गाइस यहाँ पे, 27 है तो 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर हमें देखने मिल जाता है। तो यार बैटरी वाइज तो मतलब आप देखेंगे तो A70 बहुत ही बढ़िया है, मगर एक बात आपको यहाँ ये भी देखनी पड़ेगी कि A70 का जो डिस्प्ले है वो बड़ा है एंड A50 का जो डिस्प्ले थोड़ा छोटा है, इसलिए बैटरी भी थोड़ी कम दी है, फास्ट चार्जिंग भी कम दी है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। बात कर लेते हैं UI, तो दोनों Android One UI के साथ रन करने वाले हैं दोनों, और दोनों पाई के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। एंड गाइस ये है पूरा यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन। अब लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स कि आपको ये फीचर चाहिए तो आप कौन सा फ़ोन बाय कर लो। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले बड़ा चाहिए, A70 में जाले जाओ, मगर आपको एक अच्छा डिज़ाइन मतलब आपके हाथ में आ जाए आराम से, अच्छा डिस्प्ले हो, सुपर एमोलेड तो डिस्प्ले तो सेम मतलब क्वालिटी तो सेम है, तो आप A50s में जाओ। सेकंड परफॉर्मेंस चाहिए,
A70 का, क्योंकि उसमें स्नैपड्रैगन 675 मिल रहा है। प्राइस में अगर थोड़ा महंगा आपको देना पड़ेगा। देन थर्ड आते हैं कैमराज के में, तो कैमराज में मैं आपको यही बोलूँगा कि A50s बेटर है A70 से, तो कैमरा वाइज यहाँ पे आप आ जाए। तो मैंने बोल दिया A70 का भी अच्छा कैमरा है। बात करते हैं बैटरी के मामले में, बैटरी में मैं भाई यहाँ पे A70s कहाँ से निकल रहा है, A70 बेटर है। तो आप बैटरी वाइज जाओ तो A70 में देखूंगा, तो मैं दोनों ही बैटरी में बेटर है, बिकॉज आपको A70 में जो बैटरी मतलब डिस्प्ले बड़ा है इसलिए उसमें बैटरी भी बड़ी है। A50s में थोड़ा डिस्प्ले छोटा है तो इसलिए बैटरी भी छोटी है। तो आप देखते हैं, तो बैटरी वाइज दोनों ही अच्छे हैं। एंड यही था, मैंने आप लोग कुछ पॉइंट्स बता दिए, जो फोन आपको लेने हैं वो आप ले सकते हैं। एंड अगर इस वीडियो आप लोगों को पसंद आए और कुछ भी यूजफुल आप लोगों को लगा इस वीडियो से, तो यार लाइक जो है लाइक का बटन ज़रूर से दबा के जाना, अच्छा लगता है, मोटिवेट फील होती है जब आप लोग लाइक कर देते हो। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डेली कंटेंट टेक्स रिलेटेड हमेशा लाते रहता हूँ। और देखते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।